India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. Um, as you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं लोग कहते हैं नहीं भारत डेमोक्रेसी है और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है लोकतंत्र हमारी रगों में है लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है और हमारा संविधान और हमारी सरकार और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट क्रीड रिलीजन जेंडर किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है ह्यूमैनिटी नहीं है ह्यूमन राइट्स नहीं है फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है और इसलिए भारत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के और इसलिए हम चलते हैं भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है न धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर न उम्र के आधार पर न भूभाग के आधार पर थैंक्स yeah, सर। sir my question is on the issue of climate change uh, both countries have spoken strongly about the uh, need to tackle the climate change but there is a view I'm both, a I'm sorry. Yeah, yeah. I'm both countries have spoken about the challenge of climate change but there is a view that uh, ambitious targets are set but implementation is found often lacking and there is also a criticism of lack of technological transfer financial transfer from the

अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है उसका हमारे लिए एनवायरमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है ये कन्वीनियंस के कारण करने का हमारा काम नहीं है हम ये मानते हैं हम एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर में विश्वास नहीं करते हैं पूरे सृष्टि को चलाने के लिए मिल्किंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है लेकिन एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर नहीं चल सकता है हम इस पक्ष में रहे हैं और उसी के मूल पर आधार पर भारत अपने लिए करता है इतना ही नहीं हम कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव भी ले रहे हैं आपको मालूम है जी ट्वेंटी देशों ने पेरिस में जो प्रॉमिस किया था सभी जी ट्वेंटी देशों में अकेला हिंदुस्तान है जिसने पेरिस में जो प्रॉमिस किए थे वो सारे प्रॉमिस पूरे किए हैं इतना ही नहीं सोलार एनर्जी के क्षेत्र में हमने ग्लासगो में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 500 गीगावाट का टारगेट रखा है हमने 2030 तक भारत की रेलवे का नेट जीरो का रख रखा है और भारत की रेलवे कहने के बाद आपको उसका स्केल पता होना चाहिए भारत की रेलवे का मतलब है कि हर दिन मेरे यहां रेल के डिब्बे में पूरा ऑस्ट्रेलिया होता है इतना बड़ा मेरा देश है और वहां मैं 2030 तक रेलवे को नेट जीरो लेकर के चल रहा हूं उसी प्रकार से जो हमने सोलर एनर्जी के टारगेट तय किए थे हमने इथेनॉल के टारगेट तय किए थे ट्वेंटी टेन परसेंट का वो समय से पहले पूरा कर दिया हम 20 परसेंट इथेनॉल ब्लैंडिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन को इनिशिएट कर रहे हैं और भारत ग्रीन हाइड्रोजन हब बने उस दिशा में हम काम कर रहे हैं हमने दुनिया के लिए इंटरनेशनल सोलार अलायंस उसका हमने लॉन्च किया और आज दुनिया के कई देश उसमें भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं हमने जो आइलैंड कंट्रीज है उनको स्पेशली सोलार के क्षेत्र में मदद करके उनको एक नया विश्वास दिया है कि हम आपकी कठिनाइयों में आपके साथ हैं भावी किसी भी संकट के लिए हम आपकी चुनौती को पार करने के लिए हमारी जिम्मेवारी निभाएंगे आपको भी मदद करेंगे हम वो देश हैं जिसने एक और नया क्षेत्र हाथ लिया है हम देख रहे हैं कि नेचुरल कैलेमिटी के कारण आज मनुष्य मृत्यु की चर्चा तो होती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना नुकसान होता है जो पचास पचास साल तक भरपाई नहीं हो सकता और इसलिए ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जिस प्रकार का संकट आ रहा है तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसमें रेजि, रेजिलियंस हो और इसके लिए सीडीआरआई हमने एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया है और आपको पता होगा मैंने ग्लासगो के अंदर एक विषय रखा है दुनिया के सामने और जिसको पिछले दिनों यूएन सेक्रेटरी जनरल और मैंने उसको लॉन्च किया है वो है मिशन लाइफ और जब मैं लाइफ कहता हूं तब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट हर इंडिविजुअल को प्रो क्लाइमेट प्रो एनवायरमेंट अपना जीवन जीने का तरीका डेवलप करना होगा इतने बड़े संकट के लिए उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारत ने जो आज इन क्षेत्रों में काम शुरू किया है इसलिए नहीं कि भारत ने दुनिया के एनवायरमेंट को बुरा किया है लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी भावी पीढ़ी की हमें चिंता है हम हमारी भावी पीढ़ी को ऐसा विश्व नहीं दे सकते हैं कि जिसके लिए उसके लिए जीना कठिन हो कठिन हो जाए और इसलिए एक ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी के रूप में भारत ने खुद ने कुछ बुरा नहीं किया है तो भी अच्छा करने में योगदान देने में हम अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं और हम आगे भी निभा रहेंगे जहां तक समृद्ध देश हैं लगातार चर्चा रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो फाइनेंशियल मदद हो और धीरे धीरे विश्व भी मन बना रहा है कि जो देश इसमें करना चाहते हैं उनको टेक्नोलॉजी की मदद मिले उनको फाइनेंशियल मदद मिले हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जितना जल्दी इस विषय में आगे बढ़ेंगे दुनिया को इस संकट से हम जल्दी से मुक्त कर पाएंगे धन्यवाद